स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। थंबनेल देखकर ये लग रहा होगा कि क्या हम कंफ्यूज है? आप नहीं, मैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझको कमेंट किया है कि सर आप बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हो जिससे हम कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज करके मुझे क्या मिलेगा? आपको कंफ्यूज करने से मुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। अगर आप मेरे जितने भी रिवीजन के क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे, वही क्वेश्चंस है, उसी क्वेश्चंस को मैं रिपीट कर रहा हूं। कंफ्यूज मैंने कभी नहीं किया और मेरे हद तक ये कंफ्यूजन आप जहन से निकाल दीजिए कि मैं आपको कंफ्यूज करूंगा। मैं आपके फ्यूचर से खेलने वाला कोई नहीं होता हूं। मैं बल्कि आपका फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कंफ्यूज आपको नहीं कर रहा हूं। हां, मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स कोविड के बाद, 2 साल के बाद एग्जाम सीख ले हैं, मन में कई तरीके के सवाल है, कई तरीके के डाउट्स है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी नहीं है कई स्टूडेंट्स को, कई स्टूडेंट डिमोटिवेट है, इन रिचार्ज है, अनरिचार्ज है, रिचार्ज नहीं है, लोग एग्जाम के लिए केपेबल नहीं है, क्योंकि हमको इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम याद कर सके, हम सिलेबस के पीछे पड़े रहे, सडनली एग्जाम्स का अनाउंसमेंट हो गया, हम सोच रहे थे शायद एग्जाम नहीं होंगे, मेरा भी पहले यही मानना था कि एग्जाम नहीं होंगे, SA1 एनुअल नहीं, SA1 लिए। तो मेरा इंटेंशन यही है कि मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा मटेरियल मिले, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, कोई भी बिट मिस ना हो, यही इंटेंशन के साथ मैंने वीडियो अपलोड किया है। अगर आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, आप सभी से मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे कंफ्यूज कर रहा हूं मैं, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा इंटेंशन यही है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल से फायदा उठाए। इस चैनल उन लोगों को लाइफ में 10% भी अगर काम आ रहा तो उससे बढ़कर भाग्य मैं मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, उससे बढ़कर किस्मत मेरी कुछ भी नहीं हो सकती। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे सर यूट्यूब खोलिए बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक 1 रुपया भी मुझको नहीं आया। हो सकता है आएगा, कभी आएगा, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है। अगर पैसे कमाना होता तो मैं रोज आना वीडियो अपलोड करता ही नहीं था, 8 दिन में एक बार कभी ना कभी करता था, कभी बहुत सारे व्यूवर्स आन दो, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो दो, उसके बाद बढ़ाऊंगा, ऐसा मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। आपकी दुआएं काफी है मेरे लिए, पैसा मैंने बहुत कमा रहा हूं, बहुत पैसे मुझको मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा घर चल जाता है उससे, 3 वक्त की रोटी आराम से खा रहा हूं। हाँ, पैसे जमा नहीं हो रहे होंगे शायद, लेकिन जमा करने का मेरा इरादा भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं 3 वक्त के खाने के वास्ते भी तड़प रहे हैं। शुक्र है हमको 3 वक्त का खाना और इज्जत से मिल रहा है, इतना मेरे लिए काफी है, रहने के लिए घर है, मित्र मेरे लिए काफी है, मुझको पैसे नहीं चाहिए, बस आपकी दुआएं मुझको चाहिए। आपकी दुआएं अगर मेरे साथ होंगे तो वही मेरे लिए रिजल्ट भी है, वही मेरे लिए आपकी दौलत है, वही मेरे लिए आपके सबसे बड़े पैसे भी है। समझ गए होंगे आप लोग। थोड़ा मुझको अच्छा नहीं लगा था कि सर हमको कंफ्यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियोस बना रहा हूं। बहुत सारे पेरेंट्स भी शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर कुछ मेरी तरफ से गलती हो गई तो मैं आप सभी से माफी चाहता हूं, क्योंकि मेरा कंफ्यूज करने का ऐसा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। और मैंने जितने भी अपलोड किया है रीडर से अपलोड किया है, और रीडर से हटकर कोई चीज आपको अपलोड नहीं किया है। अगर अपलोड किया भी है तो पोर्शन सिलेबस के अंदर ही है अपलोड किया है, क्योंकि ब्लूप्रिंट पेपर आता है गवर्नमेंट का, उसी के अंदर से मैंने किया है। तो आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो का थंबनेल किस तरह मैं रखा हूं। तो आप सभी अच्छा पढ़िए, मेरे स्टूडेंट है, मैं आप सभी को फ्यूचर बनाना चाहता हूं, आप सभी को अच्छे से अच्छा मटेरियल पहुंचाना चाहता हूं, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे तेलुगु हो,
दूसरे सब्जेक्ट के भी एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया है दूसरों से मदद लेकर, तेलुगु और मैथमेटिक्स मैंने अपलोड किया है ताकि आपको अच्छे मार्क्स ला सके। चलिए, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो गया, बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स, एक लाइक जरूर।